हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं हाउ टू फाइंड रूम इन सिंगापुर, यानी कि जो रूम कैसे ढूंढे और उनका जो रूम रेंट होता है वो कितना होता है, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे वो डबल शेयरिंग रूम हो, चाहे वो कई लोगों के साथ शेयरिंग रूम हो, उनका जो प्राइस होता है और वो कैसे ढूंढें, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। यानी कि आप लोगों में से बहुत लोग रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं सिंगापुर के लिए, चाहे वो वीटीएल हो चाहे वो नॉन वीटीएल हो, और बहुत लोग आ चुके हैं कैसे, क्योंकि जो आ चुके हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर मुझे रूम चाहिए, आपकी नजर में कोई रूम हो, क्योंकि वो लोग जो रूम शेयर कर रहे हैं वो कई लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, इस तरह से बहुत लोग जो है ना रूम शेयर कर रहे हैं। ताकि प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप जब पहली बार अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में आते हैं तो रूम बहुत जरूरी होता है गाइस, कि रूम अच्छा मिले। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं कैसे रूम ढूंढे, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे वो डबल हो, चाहे शेयरिंग हो, चाहे होल एचडीबी हो या कोंडो हो, कोंडो रूम, कोंडो में आपको बताऊंगा कि क्या होता है वीडियो के लास्ट में। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखें, यहां तक मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कई सारे रूम चेक करके आया हूं और वीडियोस बनाकर फोटो बनाकर बनाया मैंने, आप इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर आप मुझे अभी वहां पर लाइक ज्वाइन फॉलो करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझे स्पेशल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर लाइक ज्वाइन फॉलो करें, मैं वहां पर भी कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं। बता दूं कि अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो भी रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जिनको पता नहीं कि सिंगापुर में रूम किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको चैनल पर इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले कुछ बताना चाहूंगा कि जब आप लोग अपनी कंट्री, होम कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में आते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, स्टडी बेस पे, क्योंकि वर्क परमिट में क्या होता है कि कंपनी ही रूम प्रोवाइड करती है, एस पास में आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके बाहर भी रह सकते हैं, या बहुत सारी कंपनीज आपको अलाउंस देती हैं एस पास में, बट वर्क परमिट में आपको कंपनी के ही डोमेट्रीज में बोलने या उनके घर में या जो आपको फ्लैट देंगे वहीं पर रहना पड़ेगा। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे वो सिंगापुर आ रहे हो, चाहे वो कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे यूएस, यूरोप, जापान, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो जो सबसे चीज अच्छी होती, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है प्राइवेसी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जैसे कि सिंगापुर सब आते हैं, चाहे गर्ल्स बॉयज सब आते हैं, तो सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है प्राइवेसी। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं होगी तो रहने का क्या फायदा। मानते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंस होता है रूम में, बट प्राइवेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एक रूम में 8 से 9 लोग शेयर करते हैं रूम को। डेकर वाला बेड होता है, आप कोई नीचे सोता है, फिर उसके ऊपर सोता है, कोई इधर, इस तरह से रूम होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा शेयरिंग रूम के। तो उसमें क्या होता है कि 8 लोग रहते हैं तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई, आप खुलकर बात भी नहीं कर सकते किसी से, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। आप डरोगे अपना सामान रखने से, यानी कि अब 6 लोगों 8 लोगों में 2 ही अलमारी होती हैं, ठीक है, उनमें आप सामान रखने से डरोगे, घबराओगे कि कोई यूज ना कर ले। बहुत होता है क्या, जैसा यहां पे जब आप आओगे, आप कॉलेज गए, कॉलेज के बाद काम पे गए, तो आप तो रूम पे हो नहीं, कोई और अदर बंदा है, ठीक है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, सबके लिए जो सब लोग होते हैं, क्योंकि प्राइवेसी बहुत जरूरी है। किसी बंदे ने आपका सामान यूज कर लिया या कुछ भी यूज कर लिया, कुछ आपके बहुत हुआ, मैं अब ऐसे जाऊंगा तो बहुत हो चुके हैं केस सिंगापुर में, कि कोई किसी के रुपए निकाल लेता है, कोई किसी का कुछ निकाल लेता है, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। प्राइवेसी बहुत जरूरी है दोस्तों, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए, क्योंकि शेयरिंग पर रहते हैं, एक रूम में 6 लड़कियां रहती हैं, 7 लड़कियां रहती हैं, प्राइवेसी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। हम क्या बातें कर रहे हैं फैमिली में दोस्तों से, वो भी एक प्राइवेसी हो रही है। आप रूम रेंट पे कर रहे हो, रूम रेंट पे करने के बाद आप जाते हैं बाहर बात करने, रूम से नीचे, वो मजा नहीं आता दोस्तों यार, ठीक है,
जैसे मैं हूँ, मैंने आज तक कभी शेयरिंग पे रूम नहीं रहा, मैं भाई के साथ रहता हूँ फिलहाल, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि भाई मेरे बिजी रहते हैं। और आप सबको पता है कि इससे पहले भी मेरा सिंगल रूम था और उससे पहले भी मेरा सिंगल रूम था, स्टार्टिंग से मैं सिंगल रूम में रहते आ रहा हूँ। भले मेरे $200-$400 फालतू खर्च हो जाए, मेरी प्राइवेसी है, मेरा एक रूम है, एक लॉक है, उसको लॉक किया, गया आया तो मेरा सामान वहीं का वहीं रखा है, ना कोई टच करने वाला है ना कोई छेड़ने वाला है। बहुत जरूरी था इसलिए मैंने इस वीडियो में पहले सबसे कहा कि प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है, और आप लोग स्टडी भी करोगे, काम भी करोगे, आपको नींद चाहिए। जब आप, कोई लोग आता है ना कि सुबह 3-4 बजे से जॉब से आ रहे हैं, OGT करके आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो नींद बहुत जरूरी है। अब 8 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ आप रूम शेयर कर रहे हो, कोई बंदा सुबह 5 बजे उठकर कोई गाने लगा दिया है, कोई कुछ कैसे बातें कर रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको पता है अपने इंडिया में जो मल्टी कल्चर, जो मल्टी लैंग्वेज है, वो किस तरह से बातें होते हैं। आप गुजरात के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, अगर आप किसी उनकी लैंग्वेज सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा, जब आपकी लैंग्वेज वो सुनेंगे तो उनको अजीब लगेगा। आप काम करके आए 2-3 बजे और सुबह कोई बंदा 5 बजे उठ के फिर वो गाने म्यूजिक चलाने लगा, भजन या कीर्तन जो भी है, आपको कैसा लगेगा। तो नींद बहुत जरूरी है, और हमेशा जो रूम है कॉलेज के पास ही फाइंड करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं आपके MRT के पैसे, क्योंकि सुबह क्लास होती है 8 बजे, तो आप 7:30 बजे भी उठ सकते हो, नहीं तो दूर होगा तो 6:30-7 उठोगे, आधा घंटा 1 घंटा जाने में लगता है। तो कॉलेज के पास ही रूम ढूंढें अपना, ये मेरा सजेशन आप लोगों से। और ये भी है, अगर आप लोग शेयरिंग में देखो, मेरा काम है सजेशन देना, आइडियाज देना, अब आप कैसे उसको ले जाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो शेयरिंग पर रह सकते हो, डबल शेयरिंग पर रह सकते हो, या फिर सिंगल रह सकते हो अगर आप सिंगल रूम अफोर्ड कर सकते हो। और डबल शेयरिंग यानी कि दो दोस्त होते हैं, उनके लिए रूम होता है $8,000-$1,000, अगर आप दोनों शेयर कर सकते हो तो रह सकते हो, अदरवाइज 250-300 में आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे शेयरिंग पे, यहाँ पे जिसमें एक रूम में 8-10 बंदे रहते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं पहले रूम की तरफ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी गाइस, देखना आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कि रूम कैसे होते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोज की तरफ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि शेयरिंग रूम कैसे होते हैं सिंगल रूम, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ वीडियोस की तरफ। तो जो शेयरिंग रूम है, मेरे स्क्रीन के ऊपर फोटोज है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस तरह से शेयरिंग रूम होते हैं, ठीक है। फोटो कुछ और दिखाता है बट रियलिटी में कुछ और होता है। तो फोटो मैं दिखाता हूँ पहले, जो फोटो है शेयरिंग रूम के, इनको जो प्राइस है वो भी बता दूंगा मैं। तो जो फोटो है शेयरिंग रूम के वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो दोस्तों आप सब देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे भी देखो, जैसे कि एक रूम है उसमें 3 बंदों वाला बेड है, ये बहुत अच्छा है, 3 बंदों वाला बहुत अच्छा रूम होता है, 2 से 3 बहुत अच्छा होता है। इसमें आप एक बेड पे एक ही बंदा, तो 3 बंदे के लिए एक अलमारी है, एक 2 छोटी अलमारी है, तो ये भी अच्छा है। इसका जो प्राइस होगा मेरे हिसाब से $300 से $350 होगा एक बेड का। इसके बाद आप इधर होगा, ये डेकर वाले हैं, इसमें 4 डेकर पड़े हैं, इसी में 2 डेकर और पर, तो 4 बंदों का रूम है ये। इसका जो प्राइस होगा वो भी $250 से $300 होगा एक बंदे का, डेकर वाला रूम है। बाकी फोटो ऐसी है, और रियलिटी में देखेंगे तो कुछ और होगा। उसके बाद ये रूम देखें आप, ये रियलिटी, ये किसी ने खींचा, इसमें ये 6-7 बेड पड़े होते हैं, ये तो एक दरवाजे के पास है बाकी विंडो के पास, तो इस तरह से लोग रहते हैं। उसके बाद एक ये भी रूम है, ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है बट अच्छा है, एक बेड पे एक बंदा। उसके बाद ये रूम देख लो, थोड़ा सा क्लीन लग रहा है बट एक बेड पे एक बंदा, ये शेयरिंग वाला है। इसका जो प्राइस होगा वो भी क्वालिटी के हिसाब से $300-$350 होगा। तो देखा गाइस, किसी रूम में 4 हैं 6 हैं, और मैं बता दूं जब आप आओगे तो आप खुद देखोगे अपनी आंखों से कि एक बेड पे 2-2 बंदे सोते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर, नॉट फॉर एवरी प्लेसेस, नॉट फॉर एवरी HDB, कहीं कहीं पर कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक बेड पे 2 बंदे सुलाते हैं, चाहे वो 250, तो एक बेड से यानी कि 6 हैं तो 6×2=12 बंदे रहते हैं, यानी कि एक बेड पे 2, 1 बेड पे 2, 1 बेड पे 2, नीचे भी 2-2 ऐसे लोग रहते हैं। और मैंने अपनी आंखों से ही देखा है, मैं क्यों कहूं कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो एक बेड पे 2 बंदे रहते हैं, आप समझ गए कि 12-6 बंदे भी बहुत हैं एक रूम के लिए। ऐसे अगर रूम छोटा सा रूम है तो 6 बंदे बहुत हैं, कहते हैं नहीं खिचड़ी पक जाती है, तो खिचड़ी पकने के बाद फिर मजा नहीं आता है, फिर ये सब बातें वो सब बातें होती रहती है, उधर की दोस्ती ठीक है अपनी जगह पर है, बट प्राइवेसी भी बहुत जगह। मैं क्यों कहता हूं कि प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किस जगह से बिलोंग करके आ रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, किस फैमिली से आ रहे हैं, ये आपको पता है, किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी फोटोज जो शेयरिंग रूम पे होती है, इनका जो प्राइस होता है वो होता है 250 से स्टार्टिंग, यानी कि 250 से लेकर $250, $280, $300, $350 तक इस तरह के रूम मिलते हैं शेयरिंग पे। आपको मैं लेके चलता हूं सिंगल रूम और डबल शेयरिंग पे, यानी कि इसमें एक रूम में 6 से 12, 12 से 10 ऐसे लोग रहते हैं। ये तो फोटोज थी, आप जब रियल देखोगे तो कुछ और ही होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोस की तरफ, कि मैं खुद गया था देखने रूम, और मैंने वहां की वीडियोस बनाई है,
डबल बंदूक यानी कि दो बंदूक के शेयरिंग के लिए और सिंगल बंदूक के शेयरिंग के लिए और मार्शल रूम। तो क्या है आपको मिलेगा, चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आप देखें पहले वीडियोज, उसके बाद में बात आगे करता हूँ। तो वीडियोज और फोटोज मेरी स्क्रीन के ऊपर ये रहेंगे। सिंगल रूम होता है बिना विंडो के, ये बिना विंडो का सिंगल रूम है और बेड है सब कुछ है, एयरकॉन लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है गाइस, तो ये सिंगल रूम होता है इस तरह का और मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला दोस्तों जो रूम है ये मास्टर रूम है, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सब कुछ है, सोफा है, ये है और इधर विंडो है, आप विंडो से भी बाहर का नजारा देख सकते हैं। अगर आपको देखना ये विंडो, हवा अच्छी आती है और इसमें खासियत क्या है कि इसमें जो वॉशरूम है वो अटैच है, ये आपका वॉशरूम अटैच है, वॉशिंग मशीन भी दी है, ये माइक्रोवेवन रखा हुआ है खाना फूड गर्म करने के लिए, एयरकॉन लगा हुआ है और ये सारी अलमारीज हैं आप अपने कुछ भी। तो ये इस तरह का ये मास्टर रूम है, जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगा आराम से। तो अभी मैं रूम देखने आया था, ये मास्टर रूम है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, कपल के लिए, फैमिली के लिए, एक बंदे दो बंदे के लिए सबसे बेस्ट रूम है ये दोस्तों। छोटा सा रूम है एक, जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं है, छोटा सा है, ये विंडो यहाँ से है और ये सोफा बेड पड़ा हुआ है, एयरकॉन ऊपर लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है। तो ये इस तरह के रूम होते हैं सिंगापुर में, सिंगल, मास्टर और डबल रूम। ये जो रूम है ये कोंडो में है और बहुत अच्छा रूम है, ये सिंगल बेड का रूम है, एक बंदे के लिए बहुत अच्छा। इसमें मुझे अच्छा क्या लगा कि ये जो वॉशरूम है ना अटैच है इस छोटे से रूम में, यानी कि वॉशरूम भी अटैच है और इधर से जो व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा है। और इसके बाहर जस्ट अपोजिट ही किचन है, ये मेरे पीछे अपोजिट ही किचन है और ये रूम है, एयरकॉन लगा हुआ है, पंखा है। तो इस तरह के रूम अगर आप फाइंड करते हैं, जो भी इनका प्राइस है मैं वीडियो के लास्ट में सब बताऊंगा कि कौन से कितने का प्राइस है। मुझे तो रूम अच्छा लगा गाइस, आप बताना कि आपको कैसा रूम अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो देखा आप लोगों ने फोटोज और वीडियोस, मैं खुद गया था, खुद मैंने वीडियो शूट की थी, फोटोज की थे। जो इसके जो रूम रेंट है मैं बता दूं, पहले आपने रूम देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, पसंद आया होगा रूम, पक्का पसंद आया होगा। बट जन का रूम रेंट है वो भी आप सुन लो मेरे से, थोड़े से ये हाई फाई लेवल में आते हैं। कुछ रूम तो कॉन्डो में थे, कुछ प्राइवेट हाउस में थे और कुछ एचडीबी वगैरह में थे। तो वहां मैं देखने गया था, स्पेशल मैं अपने लिए नहीं, एक्चुअली मेरे को वीडियो बनानी थी, आप लोगों को दिखाना था, इस चक्कर में मैंने गया और देखा। तो इनका लोवेस्ट मैं कह दूंगा, लोवेस्ट जो प्राइस स्टार्टिंग है वो है $900, यानी कि आप इनमें से दो आपको अच्छा रूम लगता है, मैं किसी वीडियो में बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो कि 900 से लेकर 1500-1600 तक है जो मास्टर रूम था, जो बड़ा रूम था मास्टर रूम, उसका जो प्राइस था वो था $1600, ठीक है, $1500 से $1600 मास्टर रूम का था। उसमें वॉशरूम अटैच होता है, आपका एक खुद का प्राइवेसी होता है, उसमें सब कुछ होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेड होगा, मास्टर बेड होगा, वॉशरूम होगा, बालकनी होगी, सब कुछ होगा।
और जो विदाउट वॉशरूम था उसका जो प्राइस था वो 800 से लेकर 900, यहां तक कि अगर आप बात करोगे बार्गेन करोगे लोगों से तो 700 to 750 बंदे एक बंदे के खरीदेंगे, यानी कि 750 फॉर वन पर्सन। अगर आप बात करोगे उनको समझ में आएगा ठीक है हम स्टूडेंट हैं हमारे लिए ये थोड़ा सा कन्विंस करते, तो हाँ 700 से लेकर 750 तक कर देंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। 800 से का भी है, 900 का भी था, 1200 का भी था, जिस तरह से आप लोगों ने देखा एक बंदे का जो है 800 से लेकर स्टार्ट होता है 1200 तक और फिर डबल का बढ़ जाता है। मास्टर रूम जो होता है, ये कॉन्डो की बात कर रहा हूं, जो मास्टर रूम होता है वो 1600। अगर आप दो बंदे हो, दो दोस्त हो, अगर आपको लगता है कि हाँ हम मैनेज करते हैं, तो दो बंदों के लिए रूम जो मिल जाता है वो मिल जाता है 800 से लेकर 1000 के बीच में, अच्छा सा एसडीबी में। कॉन्डो में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कॉन्डो क्या होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसमें सिक्योरिटी होती है, जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, बारबेक्यू होता है, एक प्राइवेट जो जो लोग सिंगापुर में उन्होंने देख लिया होगा कि प्राइवेट हाउस कैसे होते हैं। एचडीबी ओपन है, यू कैन गो एनीवेयर इन एचडीबी, ठीक है, बट कॉन्डो में आप ऐसे अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी या फिर आपका कोई दोस्त वहां से आपको लेने आएगा या वो फोन करता है तब आपके लिए गेट खोल के जाते हैं, तो कॉन्डो का थोड़ा सा अलग हिसाब है, वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। 800 में एक बंदे का, 700 तो भूल जाओ, अगर दूर जाते हो सिंगापुर से दूर तो 700 में मिल जाएगा सिंगल बंदे का, अगर आप सिटी में लेते हो तो 800, 1000, 1100, 1200 एक बंदे का सिंगल रूम। वीआईपी एरिया में रहते हो तो 1500, 1600, जहां पे मैं रहता हूं यहां पे कॉन्डो में सिंगल रूम है 1600, 1500, 1400 डॉलर का रूम है गाइस, मैंने खुद देखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दो दोस्त हो तो एचडीबी में या फिर थोड़ा दूर लेते हैं तो वो 800 का 1000 का पड़ जाएगा, आप दो अगर दोस्त को लगता है ठीक है तो ले सकते हो। बट मैं आपको बता दूं जो शेयरिंग रूम होते हैं इसमें डिपॉजिट नहीं होता है, जो मैंने आपको डेकर वाला उसमें आपने 250-300 दिया एवरी मंथ रहो। अगर आप किसी के एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू आप रूम लेते हो, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे वो डबल रूम हो, चाहे वो मास्टर रूम हो, आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके वन मंथ का रूम रेंट 800 डॉलर है तो आपका डिपॉजिट भी 800 डॉलर होगा, यानी कि 8-8 यानी कि 1600 डॉलर आपको वन टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर एक्सपेंसेस हैं, आप जब कोई नया रूम शिफ्ट करते हैं वहां पे थोड़े खर्चे और बढ़ जाते हैं, सामान वगैरह लाना पड़ता है। तो शेयरिंग रूम में कोई भी डिपॉजिट नहीं है, सिंगल से डबल रूम या शेयरिंग मास्टर रूम में आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। और अगर आप सिटी में लेते हो थोड़े से महंगे पड़ेंगे, बाहर दूर लेते हो तो सस्ते पड़ेंगे, बट आप वहां से सिटी में आओगे, कॉलेज आओगे, जाओगे, एमआरटी का मिलाकर बात वही हो जाता है कि 100-200 आपके, आप वहां 800 का लेते हो यानी कि 800 डॉलर का लेते हो तो आप सिटी में आओगे, अप डाउन करोगे तो आपके 100-150 तो एमआरटी के हो गए तो वो 950-1000 का बढ़ जाता। तो इससे अच्छा है कि 50 डॉलर फालतू खर्च हो जाए बट सिटी में मिल जाए वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे बहुत कुछ है सिटी के अंदर, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाएगा। सिटी में रहोगे तो आपको पता है कभी मुस्तफा सेंटर या कभी मरीना पे कहीं भी घूमने जाओगे एमआरटी या टैक्सी से ही जाओगे तो उसका भी खर्चा जोड़ो गाइस, ठीक है। तो वॉकिंग डिस्टेंस वाला ही ढूंढो। अब ये रूम ढूंढते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड रूम, यानी कि कहां से मिलता है ये, तो गाइस कुछ ऐप हैं, कुछ वेबसाइट हैं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वेबसाइट आती है जो सबसे इजी है, जहां पे बहुत आसानी से रूम मिल जाता है, वो है propertyguru.com, सिंगापुर की propertyguru.com। ये एक ऐप है, अगर आप इंडिया में हैं तो जाके डाउनलोड कर लो, इसे ऐप को इंस्टॉल कर लो, सिंगापुर सेलेक्ट करो, उसमें उसके बाद आपको कहीं भी जाना है आप आसानी से रूम ढूंढ सकते हो उसमें, चाहे वो डबल हो, चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो होल यूनिट हो, जिस तरह की प्रॉपर्टी आप जाते हो वहां पर मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लैंडेड हो, चाहे शॉप हाउस हो, कुछ भी आपको ढूंढना वहां पे मिल जाएगा propertyguru.com पे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है मार्केट प्लेस, यानी कि फेसबुक जो होता है, अब इंडिया में मुझे नहीं पता क्योंकि काफी टाइम से मैं इंडिया नहीं गया हूं, मैं सिंगापुर में हूं। अगर आप फेसबुक चलाते होंगे तो वहां पे जहां पे आता है होम, नोटिफिकेशन, इस तरह के जो आते हैं वहीं पे एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस। तो सिंगापुर में क्या होता है कि मार्केट प्लेस पे एवरीथिंग मिलता है, खाने पीने की चीज से लेकर रूम रेंट, तो वहां पे भी लोग रूम ढूंढते हैं मार्केट प्लेस में, तो आप जाके मार्केट प्लेस में भी शेयरिंग रूम, सिंगल रूम, प्लेस का नाम लगाकर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इस तरह के। तीसरा ऑप्शन आता है gumtree.com, एक ये gumtree एक वेबसाइट भी है बट इनका एक ऐप भी है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो gumtree का, वहां भी जाकर आप रूम ढूंढ सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बहुत यूज किया gumtree, वहां से मैंने कई सारे रूम ढूंढे, उसके बाद में propertyguru.com पे आ गया था, और उससे पहले फिर मैंने फेसबुक भी, बहुत जल्दी रूम मिलते हैं, अच्छे रूम मिलते हैं, नाइस रूम मिलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता चलता है कि इस बंदे ने कब अपडेट किया था। तो ये दो तीन वेबसाइट है, ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है।
propertyguru.com, फेसबुक मार्केट प्लेस और गमेट्री, ये तीन चार ऐप कर लें, आपको इन्हीं में रूम मिल जाएगा अगर आप रूम ढूंढना चाहते हो सिंगापुर के अंदर। और फिर भाई मैं कहने वाला हूँ कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि आप लोग एक देश छोड़कर आ रहे हैं, दूसरे देश में आपको कोई जानता भी नहीं है, आप किस रूम में रहेंगे वो भी आपको नहीं जानते हैं। इंडियन है, हाँ इंडियन है, स्टूडेंट है वो आपको पता है, बट किस कैसा किसका बिहेवियर है किसी को भी नहीं पता। तो आपको डिसाइड करना है कैसे क्या करना है, सिंगल रूम में रहना है कि डबल रूम में रहना है कि शेयरिंग पर रहना है। मैंने बता दिया प्राइस, रूम सब कुछ दिखा दिया, मैंने वेबसाइट बता दी, अगर आप कोई लोग आना चाहते हैं या जिनको रूम नहीं मिल रहा है वो जाकर वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस मैंने आपको बनाया क्योंकि लोग आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में गाइस यही था कि रूम के ऊपर की बहुत जरूरी है, कि लोगों को टेंशन होती है कि मैं जाऊंगा वहां पे कहां रहूंगा, यू नो लाइक ये जो कंट्री है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि हम जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी, न्यूजीलैंड जाते हैं वहां पे हमें पूरा हाउस मिलता है रेंट पे, चार पांच कमरे होते हैं, एक कमरे में दो बंदे, एक कमरे में एक बंदे, वहां पे अर्निंग भी होती है। इस चक्कर की वहां की जो लाइफ स्टाइल है डिफरेंट है गाइस, ठीक है, वहां पे अर्निंग भी बहुत होती है और अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है, यहाँ पे अर्निंग होती है, सब लिमिट होती है गाइस की, लेट्स से 2000 कमाओगे तो नेक्स्ट मंथ में 2200-2100, उसके बाद 1800-1900, तो यहाँ पे लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि 8000-9000, ऐसे भी हमारे लाइक ऐसी जॉब तो नहीं मिलती 8-9, वो तो प्रोफेशनल आईटी और बिजनेस वालों को ही होता है। तो इसको इस सिंगापुर को आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कंपेयर ना करें, जो अदर कंट्रीज हैं यूरोप की जहां पे आप सोचते हैं कि अरे लाइफ विशाल होगी, उससे कंपेयर ना करें, ये एक टोटली डिफरेंट कंट्रीज है गाइस। आप जब यहाँ पे आ जाओगे खुद मालूम चलेगा कि रूम कैसे मिलते हैं और कैसा क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो घर हैं वो पार्टीशन वाले भी हैं, यानी कि प्लाई के भी घर पे प्लाई के भी रूम बनाते हैं, तो आपने देखा होगा एक दो वीडियोस मैंने, अगर नाम नहीं लिया तो देखा होगा, प्लाई के भी रूम थे, तो ऐसे रूम होते हैं गाइस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाल के बनाया, मैं गया देखा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के रूम देख के आया और रिसर्च करके मैं आपके साथ ये वीडियो बना के रखी, तो प्लीज लाइक जरूर बनता है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैं कुछ बोलना या कुछ बताना और समझाना भूल गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको बात करना है प्लीज व्हाट्सएप करें पहले मैसेज, चाहे मैं हूं चाहे मेरे भाई को व्हाट्सएप करें पहले मैसेज, हम फ्री हैं, तो उसके बाद हम आपको जरूर कॉल करेंगे या हमें कॉल कर लेना, हम बात करेंगे गाइस, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं है गाइस क्योंकि लोग बिजी रहते हैं, थोड़ा सा मैसेज करोगे थोड़ा पता चल जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। तो कुछ भी पूछना हो या इस वीडियो में बताना भूल गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो तो जो मैंने बताया है तीन वेबसाइट और तीन ऐप, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस हो, चाहे वो propertyguru.com हो, चाहे वो गमेट्री हो, जाकर आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं रूम अच्छे से, और मिलता है तो अच्छी बात है, आ जाओ, नहीं तो ऑप्शन है शेयरिंग पे रहो, शेयरिंग पे रहो, अगर आपको लगता है सब स्टूडेंट्स अच्छे हैं उनके साथ रहो, थोड़ा बता कर रहो, समझा कर रहो। इसके अलावा आपको कोई अच्छा बंदा मिला तो शेयरिंग पे रहो, डबल रूम अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अर्निंग है तो सिंगल रूम ले लो, जो भी, जैसे मैं सिंगल रूम में रहता हूं आप सबको पता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन गाइस, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्राइवेसी क्या होती है, किसी से अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, बस एक चीज हमेशा देखना, जब आप घर छोड़कर दूसरे देश में जाते हो तो आपकी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी फैमिली को मालूम होना चाहिए, किसी को नहीं बताना है, ठीक है, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज यार गाइस इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल गाइस, ठीक है, आपको इसी वीडियो पर जानकारी मिलती रहेगी। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।